स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फ्रेंड कम्युनिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। फिर आज हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके जो कोर्सेस चल रहे हैं एडीसीए, डीसीए, ट्रिपल सी एंड बीसीसी कोर्स, इन कोर्सेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वीडियो को छोड़िए मत, शुरू से लेकर अंत तक हर वीडियो को देखिए, क्योंकि आज ये वीडियो सारे इन कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी कंपटीशन या ऑफिशियल वर्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं, ये देखें कि आज नए टॉपिक हम लोग जानेंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये मेमोरी मदरबोर्ड या कंप्यूटर यानी मोबाइल दोनों मेमोरी दोनों में ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। हम इनके बारे में जानेंगे कैश मेमोरी क्या होता है। तो कैश मेमोरी, डेफिनेशन ऑफ कैश मेमोरी, थोड़ा सा डेफिनेशन है। कैश मेमोरी इज ए एक्सट्रीमली फास्टर मेमोरी, फास्टर मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज द बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। इट होल्ड द फ्रीक्वेंटली डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू सीपीयू व्हेन नीडेड। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस द फ्रॉम इन मेन मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी 256 KB टू 4 MB। यानी ये कैश मेमोरी कंप्यूटर की मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है। इसका काम होता है, ये कंप्यूटर की मदरबोर्ड में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। इसका ये काम है कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है। जैसे लिखा है कैश मेमोरी इज द एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ये बहुत ही तेज काम करता है, बहुत तेज चलता है। इसका काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करना है, यानी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी को बहुत ही फास्ट काम स्टोर करता है। इसमें जो डेटा होते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटर यानी जो कंप्यूटर की जो बूटिंग फाइल होती है वो सारी जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम की फाइल होती है वो सभी फाइल कहाँ पे पड़ी होती है, कैश मेमोरी में, जिनके माध्यम से जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जितने भी बूटेबल फाइल होती है इसके माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल आपका स्टार्ट होता है, ये सारे फाइल यानी जो डेटा होते हैं कहाँ पे अपलोड होते हैं, कैश मेमोरी होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 256 KB से लेकर 4 MB तक होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अवेलेबल होती है। तो ये था स्टूडेंट आपके लिए कैश मेमोरी क्या होता है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो समझ में आया है तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हर हमें अच्छा लगे कि आपके लिए एक नया वीडियो जरूर लेके आए, और अगले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।